बिसम अल्लाम स्टूडेंट आज हम डी काम पार्ट वन की जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक है गुल अमीर मलिक साहब की इसका जो चैप्टर नंबर सिक्स है स्पेशल जर्नल तो इसकी एक्सरसाइज़ नंबर आज हम थ्री करने जा रहे हैं तो पेज नंबर वन वन एट पे आ जाए पेज नंबर है एक सौ जी ये क्वेश्चन आपको दिया गया है तो इसकी पहले रिक्वायरमेंट को पढ़ते हैं रिक्वायरमेंट में कहता है रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन इन परचेज जर्नल बी ऑप्शन में सेल जर्नल फिर परचेज एंड जर्नल और सेल्स एंड जर्नल जी डी स्टूडेंट आपको बताता चलूं कि यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर थ्री में इसने चार जर्नल मांगे हैं परचेज जर्नल सेल जर्नल परचेज रिटर्न जर्नल परचे और सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसिस जर्नल तो अब हम चार जर्नल बनाएंगे तो फिर हमने ट्रांजेक्शन को पढ़ना है तो जो ट्रांजेक्शन जिस जर्नल की होगी उसी ट्रांजेक्शन को उस जर्नल में लिख देंगे तो जी आप इस तरह करें आसानी के लिए सबसे पहले आपने बनाना है परचेज जर्नल और उसके साथ बनाएंगे परचेज रिटर्न एंड अलाउंसिस जर्नल उसके बाद सेल जर्नल बनाएं और सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसिस जर्नल बनाएं जी मैंने आपको पहले पिछले पिछले लेक्चर में बताया था कि जब परचेज जनरल बनाते हैं तो उसके लिए यहां पे लिखते हैं अकाउंट क्रेडिटेड तो परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जनरल जब बनाएंगे तो उसके लिए लिखेंगे अकाउंट डेबिटेड इसी तरह जब सेल जनरल बनाएंगे तो इसके लिए आपने लिखना है अकाउंट डेबिटेड और यहाँ पे लिखेंगे सेल रिटर्न जनरल के लिए अकाउंट क्रेडिट लिखेंगे तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी तो इसमें कहता है फर्स्ट डेट को परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम समी तो आपने सेकंड कॉलम में लिखना है समी और अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे ट्वेंटी थाउजेंड और चौके ये परचेज है परचेज मर्चेंडाइज है तो इसको आपने परचेज जर्नल में लिखना है तो ये परचेज जर्नल है फर्स्ट डेट को यहां पे लिखें, फर्स्ट डेट को परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम समी तो यहां पे समी का नाम आएगा समी से खरीदी हैं ट्वेंटी थाउजेंड की ये जो अमाउंट का कॉलम है यहाँ पर लिखेंगे ट्वेंटी थाउजेंड तो इनवाइस नंबर कुछ नहीं है तो इसलिए इसको आपने छोड़ देना है उसके बाद जो सेकंड ट्रांजैक्शन है जी सेकंड ट्रांजैक्शन में कहता है छः तारीख को सोल्ड मर्चेंडाइज तो लव सोल्ड है तो इसको आपने सेल जनरल में लिखना है टू कलीम तो सेकेंड कॉलम में नाम लिखेंगे कलीम थर्टी थाउजेंड और अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे थर्टी थाउजेंड तो इस ट्रांजेक्शन को आपने सेल जनरल में लिखना है सोल्ड मर्चेंडाइज टू कलीम छ तारीख को ये सेल जनरल है तो यहां पे लिखें सिक्स डेट को सोल्ड मर्चेंडाइज टू कलीम यहां पे नाम लिखेंगे कलीम रुपीज थर्टी थाउजेंड अमाउंट के कॉलम में लिखें थर्टी थाउजेंड ये सेल की एंट्री थी इसलिए इसको हमने सेल जर्नल में लिखा है जी उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बारह तारीख को रिटर्न डिफेक्टिव मर्चेंडाइज टू एक बात याद रखें जब भी रिटर्न के साथ लव्ज टू आएगा तो इसका मतलब यह है कि इसको आपने परचेज रिटर्न वाली एंट्री वाले जर्नल में लिखना है टू समी सेकंड कॉलम में लिखेंगे समी थाउजेंड एक हजार रुपए अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे वाइट डेबिट मेमू नंबर वन जीरो वन, तो जो मेमू नंबर है वो लिखेंगे वन जीरो वन. जी दोबारा समझें रिटर्न डिफेक्टिव मर्चेंडाइज टू याद रखें जब भी रिटर्न के साथ लफ्स टू आएगा तो इस ट्रांजेक्शन को आपने परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस जनरल में लिखना है सेकंड कॉलम में समी लिखेंगे अमाउंट के कॉलम में थाउजेंड लिखेंगे और जो मेमो नंबर होगा वो वन जीरो वन होगा तो ये परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस जर्नल ये वाला है तो यहां पे लिखें बारह डेट को रिटर्न डिफेक्ट मर्चेंडाइज टू समी यहां पे सेकंड कालम में समी का नाम आएगा रुपीज थाउजेंड अमाउंट के कालम में लिखेंगे थाउजेंड और वाइट डेबिट मेमो नंबर वन जीरो वन तो यहां पे जो एनवाइस नंबर है यहां पे आप एनवाइस नंबर भी लिख सकते हैं मेमो नंबर भी लिख सकते हैं तो वन जीरो वन यहां पे आपने लिखना है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है ट्वेंटी को सोल्ड मर्चेंडाइज देखो मर्चेंडाइज सेल किए तो आपने इस एंट्री को सेल्स जर्नल में लिखना है सोल्ड मर्चेंडाइज टू वसीम सेकंड कॉलम में लिखेंगे वसीम फॉर रुपीज फिफ्टीन थाउजेंड अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे फिफ्टीन थाउजेंड जी डेट है ट्वेंटी तो ये सेल जनरल है यहाँ पे डेट में लिखेंगे ट्वेंटी सोल्ड मर्चेंडाइज टू वसीम ये सेकंड कालम में वसीम का नाम आएगा वसीम और फॉर रुपीज फिफ्टीन थाउजेंड ये जो अमाउंट का, का कालम है इसमें लिखेंगे फिफ्टीन थाउजेंड जी उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पच्चीस तारीख को डिफेक्टिव मर्चेंडाइज रिटर्न बाय जी जब भी रिटर्न के साथ लफ्ज बाय आएगा या फ्रॉम आएगा तो आपने सेल्स रिटर्न जनरल में लिखना है जी मैं आपको दोबारा बता दूं डिफेक्टिव मर्चेंडाइज रिटर्न बाय जब भी रिटर्न के साथ लफ्ज बाय आएगा या रिटर्न के साथ लफ्ज फ्रॉम आएगा तो आपने इसको सेल्स रिटर्न में लिखना है कलीम तो सेकेंड कॉलम में लिखेंगे कलीम रुपीज टू थाउजेंड अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे टू थाउजेंड वाइड क्रेडिट मेमू नंबर टू जीरो वन तो मेमू नंबर है इसका टू जीरो वन ट्रांजेक्शन को मैं दोबारा पढ़ देता हूं डिफेक्टिव मर्चेंडाइज रिटर्न बाय कलीम तो सेल रिटर्न जनल में इसको लिखेंगे क्योंकि रिटर्न के साथ बाय आ गया है रुपीज टू थाउजेंड तो अमाउंट के कालम में लिखेंगे टू थाउजेंड और सेकंड कॉलम में लिखेंगे कलीम डेट जो है वो ट्वेंटी फाइव है तो डेट के कॉलम में लिखें ट्वेंटी फाइव और मेमो नंबर है टू जीरो वन यहां पे लिखेंगे जी उसके बाद जो लास्ट ट्रांजेक्शन है परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम असमत देखें परचेज है तो इसको आपने इस ट्रांजेक्शन को परचेज जनरल में लिखेंगे परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम असमत सेकंड कॉलम में असमत का नाम आएगा और अमाउंट के कॉलम में टेन थाउजेंड लिखेंगे तो इकतीस तारीख को ये जो है परचेज परचेज की एंट्री है तो इसको परचेजेजन में लिखें थर्टी फर्स्ट को परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम असमत तो यहां पे सेकंड कॉलम में नाम आएगा असमत और फॉर रुपीज टेन थाउजेंड अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे टेन थाउजेंड जी डी स्टूडेंट हमारा जो ये जर्नल की ट्रांजेक्शन है ये कंप्लीट हुई अब इसको हमने ऐड करना है तो ये ट्वेंटी को प्लस करेंगे टेन थाउजेंड के साथ तो ये आ जाएगा थर्टी थाउजेंड यहां पे लिखें थर्टी थाउजेंड और यहां पे लिखेंगे टोटल इसी तरह तीस हजार को प्लस करेंगे फिफ्टीन थाउजेंड के साथ तो ये आ जाएगा फोर्टी फाइव थाउजेंड इधर भी लिखें टोटल फिर उसके बाद ये जो टू थाउजेंड है ये एज इट इज यहां पर आ जाएगा टू थाउजेंड और यहां पे लिखेंगे टोटल इसी तरह ये जो वन थाउजेंड है ये एज इट इज यहां पर आ जाएगा और यहां पर भी लिखेंगे टोटल इसका मतलब क्या है कि हमने जो टोटल परचेजेस किए हैं वो तीस हजार की और टोटल जो सेल्स हमने की हैं वो 45000 की जो से परचेज रिटर्न हुई है वो वन थाउजेंड की और इसी तरह जो सेल्स रिटर्न हुई है वो टू थाउजेंड की हैं जी डी हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ डीएसेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक भी करें और कोशिश करें कि इन वीडियोज को अपने क्लास फेलो के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी फायदा हो अगर आपको किसी लफ्स की किसी इंट्री की समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं इसके अलावा डियर स्टूडेंट अगर आपको डी कॉम पार्ट वन की मैथ स्टेट का मुकम्मल सोलूशन चाहिए तो वो भी मैंने अपलोड किया हुआ है आप प्ले में जाकर वहाँ से हासिल कर सकते हैं जी शुक्रिया अल्लाह हाफिज़